गाइस, मैंने आपको एक अपडेट दिया, एक इन्फॉर्मेशन दिया तीर्था को लेकर के। तो उसे लेकर के ना भाई, मुझे अभी कमेंट आने लगा है कि भाई तू क्यों सस्पेंस खोल रहा है, तू क्यों यार क्या मैं खोल रहा हूँ है? आप लोगों के जरिए मेरे पास अपडेट आती है, ठीक है ना, हर तरह वायरल होती है ये। एक्चुअली इवनिंग से चल रहा था, मुझे आधी रात को पता चली, ठीक है ना, हर तरह वायरल होता है, उसके बाद मेरे पास आती है, आप लोगों के जरिए ही आती है। मेरे सोर्सेस कौन है बोल रहे हो? आप लोग ही हो, आप लोगों के जरिए ही मुझे आता है। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं वो लोग ही मुझे अपडेट देते हैं, है ना। तो हर तरह वायरल होने के बाद मेरे पास पहुंचे यार। आप लोग भी मुझे कमेंट करे हो, बहुत सारे वीडियो में मैं देखा हूं कि तेरे तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह का कमेंट आता है मुझे कि तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैक्सिमम तेरा व्यूज जो है 10,000 जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम तो 100-200 भी होता है। ओके, तो तेरे बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें मैं सस्पेंस खोल रहा हूँ भाई साहब। नो, ऐसा नहीं है, इस तरह की गलत फहमी मत रहो। देखो, यूट्यूब चैनल अगर कोई खोल दिया तो वो ही न्यूज़ प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है। न्यूज ऑडियंस के पास भी पहुंचता है सबसे पहले, बस वो लोग तो देखना ये चाहते हैं कि ये क्या बोल रहा है इसे लेकर के, यही रहता है एक्चुअली। तो इसे मतलब गलत सलत मैसेज मत करो यार, है बुरा लगता है कि इतना ये सब कुछ करोगे फिर ये आएगा, तो अच्छा नहीं लगता। ओके, तो गाइस मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इंडियन आइडल की अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यार। मतलब देखो, वो तो बहुत अच्छी है कि मतलब मेनुका जी को ये हुआ है, मतलब ऑफर हुआ है, वो गाएंगे यार, बहुत अच्छा गाते हैं, आप देखे होंगे उनका अभी तो बहुत सारा अभी वायरल हो रहा है, उनका सॉन्ग वगैरह भी बहुत अच्छे गा रहे हैं। ओके, तो वो अभी सलार में गाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुपर है। लेकिन उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ भाई साहब प्रमोशन भी तगड़ा हो रहा है, प्रमोशन भी तगड़ा हो रहा है लिटरली, है ना। मतलब सलार मूवी जिस तरह से गूंज रही है, खासतौर पे श्रिया घोषाल जी जिस तरह से फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं वहां पे, जैसे फिल्म का मतलब क्या है लोगों के अंदर सलार मूवी को लेकर के, प्रस्पेक्टिव क्या है एक्चुअली, क्या सोच करके रखे हैं सलार मूवी में, वो पता चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, ह्यूज फिल्म है। ये एक्सप्रेशन रह रहा है सभी का कि नहीं, सलार मूवी आ रही है, सलार में मैंने का गाना गा रहे हैं। इतना इतने में बात खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात उठ रहा है कि बात हो रहा है कि भाई सलार सलार मूवी, इस तरह का एक्सप्रेशन है, सलार मूवी बहुत बड़ी फिल्म है, ह्यूज फिल्म है, बाहुबली की फिल्म है, प्रभास की फिल्म है। ओ हो भाई साहब, ये रिएक्शन ना दिल जीत लेता है कि भाई साहब, जो लोग भी कहते हैं ना कि सलार मूवी ये है वो है ऐसा होगा पीट जाएगा ये होगा वो होगा, भाई लोग जग जाओ, सुनो इंडियन आइडल में गूंज रहा है अभी, सुनो कि सलार मूवी को लेकर के लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या है एक्चुअली। ओके, सिर्फ कलेक्शन में रिकॉर्ड नहीं बनते हैं भाई, बाहुबली टू, मैं बार बार कहता हूँ, बाहुबली टू, बाहुबली फिल्म, बाहुबली जर्नी, बाहुबली हीरा, ये बस कलेक्शन किया है इंडियन सिनेमा में, 1,000 करोड़ को पार करने वाली पहली फिल्म बनी है, ठीक है ना, 1,800 करोड़ से ज्यादा तक का कलेक्शन किया है, इसलिए वो फिल्म का रुतबा नहीं है, इसलिए वो फिल्म का रुतबा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दंगल का भी होता, दंगल का नाम गूंजता है कहीं पे ना जी, नहीं गूंजता है, क्योंकि फिल्म में भी दम होना चाहिए, फिल्म में भी वो रुतबा होना चाहिए, फिल्म में वो चीज होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। पैसा मनी कलेक्शन कभी याद नहीं रहता है, वो तो इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा फिल्म कितना कमाया, कौन सा फिल्म कितना कितने कौन सा फिल्म फ्लॉप हुआ है, कौन सा फिल्म हिट हुआ है। भाई साहब, अभी भी विक्रम बेदा, ये जो ऋतिक रोशन वाली फिल्म है ना, विक्रम बेदा को इस फिल्म को लोग सुपर हिट कहते हैं, ब्लॉकबस्टर कहते हैं यहाँ पे लोग, क्यों? क्योंकि भाई फिल्म अच्छी लगती है, उनको पता नहीं है रिमेक, हाँ रिमेक हुआ है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ऋतिक रोशन का काम बहुत अच्छा है, जस्सी मूवी को लोग तारीफ करते हैं। कलेक्शन के बारे में सभी को पता नहीं होता है, फिल्म में रुतबा होना चाहिए, फिल्म लोगों का दिल छूना चाहिए, और बाहुबली में वही था, बाहुबली वो हीरा को क्रिएट किया था, वो होना बहुत जरूरी है, कलेक्शन बड़ी बात नहीं है, और वो चीज हुआ है बाहुबली के साथ, इसलिए तो प्रभास की फिल्म, कोई भी फिल्म आ जाए, चाहे वो राधे श्याम हो चाहे वो आदि पुरुष हो, कोई भी फिल्म आ जाए ना, एक सेलिब्रेशन बन जाती है, सभी के दिमाग में हो जाते हैं भाई सलार का फिल्म, ये बाहुबली प्रभास का फिल्म आ रहा है, बाहुबली का फिल्म आ रहा है, प्रभास का फिल्म आ रहा है। 2017 में सक्सेस मिला था, अभी तक माउथ ऑफ वर्ल्ड पॉजिटिव प्रभास को नहीं मिला है 2019 से, बाहुबली के बाद से जितने भी फिल्म आई है किसी भी फिल्म में नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वही रुतबा कायम है, क्यों? क्योंकि बाहुबली में वो दम था, प्रभास के कैरेक्टर में जो वो जो प्ले किए थे उसमें वो दम था, और वो दम हर एक 1,000 करोड़ वाली फिल्म को नहीं मिलती है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ पैसे कमाना रिकॉर्ड नहीं है, और बाहुबली सिर्फ पैसे कमा करके रिकॉर्ड नहीं बनाया है,
यही तो है। अब देखो यार, देखो सलार मूवी का जहां पे नाम गूंज रहा है, जब आदि पुरुष मूवी का नाम गूंज रहा था, जब राधे श्याम का गूंज रहा था, राधे श्याम ओके, राधे श्याम मूवी की मैं बात करता हूँ, राधे श्याम मूवी जब प्रभास की फिल्म के नाम गूंजता है किसी जगह पे, तो वो फिल्म को कितने बड़े, मतलब बड़े स्केल पे बोला जाता है, कितने बड़े लेवल पे बोला जाता है वो समझो। ओके क्यों? क्योंकि भाई रुतबा एक चीज होती है, और वो कलेक्शन से जीरो से एक एक के साथ कितने टू जीरो लगे उसमें वो रुतबा नहीं होती है, रुतबा फिल्म में होता है, वो दौर में होता है, ऑडियंस के अंदर क्या छाप छोड़ा है उसमें होता है। ओके और प्रभास का फिल्म जब सक्सेस होगा ना, ये रुतबा फिर से रिराइट होगा, फिर से लिखेगा। ये है एक्चुअली एक्चुअल में रिकॉर्ड, ये है एक्चुअल में रिकॉर्ड। इसलिए तो मतलब दंगल 2500 करोड़ कमाया है, मतलब 2100 करोड़ कमाया है, फिर भी 1800 करोड़ से कम है वो, समझ रहे हो मेरी बात? ये है एक्चुअली रुतबा, ये है एक्चुअली रुतबा, ठीक है ना? यही तो चाहिए भाई। ये तो ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस क्या समझती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, ऑडियंस कभी भी कलेक्शन कितना हुआ है, कितना बजट था, कितना कलेक्शन हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना मतलब फिल्म फ्लॉप है, हीट है, क्या टैग मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को फिल्म अच्छा लगना चाहिए। कभी कभी किसी फ्लॉप फिल्म कलेक्शन के हिसाब से कोई फिल्म फ्लॉप हुई होती है, लेकिन लोगों के हिसाब से वो फिल्म बहुत मस्त रहती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, विक्रम बेदा, जर्सी, ये सारी फिल्में कलेक्शन के हिसाब से अच्छी नहीं की, नहीं करी है, लेकिन लोगों को अच्छा हुआ लगा है, वो एक रुतबा होता है लिटरली। ओके और ये फील होता है भाई साहब, अभी जो इंडियन आइडल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, उसमें आप देख सकते हो, ये है रुतबा, बाहुबली का रुतबा। तीन तीन फ्लॉप फिल्म दिए हैं, तीन तीन फ्लॉप फिल्म, मतलब चलो साहू मूवी दिल तोड़ दिया, साहू मूवी अच्छा नहीं लगा, हिट होने के बाद भी उसको फ्लॉप कहा जाता है, क्योंकि प्रभास की फिल्म है और 400-500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभास की फिल्म है तो 1000 करोड़ पार जाना चाहिए, ये होता है। ओके तो ऐसा होने के बावजूद भी, राधे श्याम आदि पुरुष जैसा फिल्म आने के बावजूद भी, बाहुबली का फिल्म आ रहा है, प्रभास का फिल्म आ रहा है, तो बहुत बड़ी फिल्म है, ये है रुतबा। ओके होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।